उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अभी तक सिर्फ एक मंदिर की चर्चा देश ही नहीं विश्व में हो रही है। यह मंदिर भगवान राम का निर्माणाधीन मंदिर है, लेकिन अयोध्या में अब एक और मंदिर की चर्चा बहुत जोर शोर से हो रही है। आखिर यह दूसरा मंदिर किसका है, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। यह मंदिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर क्यों और किसने बनवाया, ये हर कोई जानना चाहेगा। दरअसल अयोध्या शहर के भरत कुंड के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंदिर बनाया जा रहा है। ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस मंदिर को मौर्य पूर्वा के प्रभाकर मौर्य ने करीब 8.5 लाख की लागत से बनवाया है। इसमें योगी को राम के अवतार में दिखाया गया है। मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर भी थमाया गया है। यहाँ रोज सुबह शाम पूजा आरती भी होती है। इस मंदिर को बनाने वाले प्रभाकर मौर्य यूट्यूबर हैं। मंदिर को बनाने के पीछे प्रभाकर का कहना है कि उन्होंने एक प्रण किया था, जो भी अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनवाएगा उसका मंदिर वह बनवाएंगे। प्रभाकर कहते हैं कि योगी राम और भगवान कृष्ण के अवतार हैं। प्रभाकर ने अपने YouTube चैनल के पैसे से मंदिर का निर्माण कराया है। योगी का जो मंदिर बनाया गया है उसमें लगी मूर्ति फाइबर की है। 5 फीट 4 इंच ऊंची ये मूर्ति जयपुर से बनवाई गई है। योगी के इस मंदिर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज कस दिया है। सीतापुर में एक तो पूर्व सैनिक ने अपनी पत्नी के नाम ही मंदिर बनवा डाला है। हालांकि ये मंदिर 2008 में बनवाया गया था। सीतापुर के फरीदपुर गांव के पूर्व सैनिक आरडी मिश्रा ने अपनी पत्नी आशा देवी के नाम पर ये मंदिर का निर्माण करवाया था। वो यहां रोज सुबह शाम आरती भी करते हैं। वो अपनी पत्नी से बेपनाह प्यार करते थे। 2007 में उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, तब से वो टूट गए, लेकिन पत्नी का एहसास हर समय अपने साथ रखने के लिए उनकी एक फोटो साथ लेकर कार में चलने लगे थे। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।